लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर विपक्ष एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। इस सिलसिले में आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 19 विपक्षी दलों ने बैठक की, जिसके बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग से ईवीएम के मुद्दे पर शिकायत की है और आयोग के सामने कुछ मांगे रखी हैं। वहीं इन सबके बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ईवीएम पर चिंता जाहिर कर दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम पर जमकर सियासी घमासान मचा, ऐसा संग्राम कि विपक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच गया, जहां से भले ही विपक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई हो, मगर विपक्ष अब भी इस मुद्दे पर शांत होने का नाम नहीं ले रहा। खास तौर पर एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से तो विपक्ष और ज्यादा सतर्क हो गया है, तभी तो आज इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने अहम बैठक बुलाई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस, आप, टीडीपी, वाम दल, बीएसपी, एसपी, एनसीपी और टीएमसी समेत 19 दलों के नेता पहुंचे, जहां ईवीएम पर मंथन के बाद विपक्षी दल चुनाव आयोग के दर पहुंचे और मांग की कि जिन 5 वीवीपैट की गिनती होनी है उनकी गिनती शुरुआत में ही हो। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमने चुनाव आयोग के सामने मांग रखी है कि अगर शुरुआत में ही कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वीवीपैट पर्ची की ही गिनती हो। वहीं इस दौरान विपक्ष ने एग्जिट पोल को झूठा करार देते हुए महागठबंधन की जीत का दावा भी किया। विपक्ष ने कहा कि परिणाम के बाद एनडीए में टूट होगी, इसी टूट को बचाने के लिए सरकार ये खेल कर रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोदी है तो रिजल्ट लूट भी मुमकिन है। जहां एक तरफ विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल दागे हैं, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ईवीएम पर चिंता जाहिर की है। प्रणब मुखर्जी ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर लिखा है कि लोकतंत्र में लोगों के निर्णय पर किसी तरह का संकट नहीं आना चाहिए, लोगों का फैसला हमेशा किसी भी तरह के संशय से हटकर सर्वोच्च रहना चाहिए। ईवीएम की सुरक्षा करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो अब इस मुद्दे पर विपक्ष को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का साथ भी मिल गया है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग क्या कुछ कदम उठाता है ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।